हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाला और मुकेश अग्निहोत्री का ही ड्रीम प्रोजेक्ट रामपुर हरोली पुल नई चकाचौंध का लिबास ओढ़ने में लगा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पुल पर रंग रोगन का काम शुरू कर दिया गया है। गौरतलब यह है कि उप मुख्यमंत्री अपने गृह जिला में पदभार संभालने के बाद 20 दिसंबर को पहली बार आ रहे हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र के पालकवाह गांव के पूर्व प्रधान और कांग्रेस पदाधिकारी संदीप अग्निहोत्री सोमवार को अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हरोली रामपुर पुल पर चल रहे रंग रोगन के काम का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव के दौरान ही कहा था कि शिमला में कांग्रेस की सरकार के सत्ता संभालते ही उनके गृह जिला में हलचल साफ तौर पर नजर आएगी और उसका यह जीता जागता उदाहरण है कि उप मुख्यमंत्री के गृह जिला आने से पहले ही उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को सजाने और संवारने का काम शुरू हो चुका है। संदीप अग्निहोत्री ने कहा कि किए हुए वायदों को पूरा करने का दूसरा नाम ही मुकेश अग्निहोत्री है। सबसे पहले तो आपको भी बधाई और सभी इलाका वासियों को बधाई कि कांग्रेस सरकार स्थापित होने के बाद अब लगना शुरू हो गया साथ ही साथ ही कि ऊना में कांग्रेस सरकार बनने का असर दिख रहा है। और ये जो जैसे ही आपने बोला कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो रामपुर पुल जो है मुकेश अग्निहोत्री जी का रहा है, और मैं फख्र से कहना चाहूँगा कि मुकेश जी ने ड्यूरिंग इलेक्शन बोला था कि जैसे ही शिमला के अंदर सरकार अपना स्थान ग्रहण करेगी उसी समय पता चल जाएगा कि रामपुर पुल के ऊपर कार्य आरम्भ हो जाएगा। उसी चरण में आज ये चकाचौंध होने जा रहा है, सफ़ेदी इसके ऊपर होने लगी है और आने वाले टाइम में इसके ऊपर लाइटिंग का काम जो है वो भी होगा और उसी चीज़ का रिजल्ट है। मैं तो ये कहूँगा कि जो अपना वादा पूरा करते हैं उसे मुकेश अग्निहोत्री कहते हैं, ये मुकेश जी ने सिद्ध कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के विधानसभा क्षेत्र को जिला मुख्यालय से जोड़ने में अहम भूमिका निभाने वाला और मुकेश अग्निहोत्री का ही ड्रीम प्रोजेक्ट रामपुर हरोली पुल नई चकाचौंध का लिबास ओढ़ने में लगा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा इस पुल पर रंग रोगन का काम शुरू कर दिया गया है। गौरतलब यह है कि उप मुख्यमंत्री अपने गृह जिला में पदभार संभालने के बाद 20 दिसंबर को पहली बार आ रहे हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र के पालकवाह गांव के पूर्व प्रधान और कांग्रेस पदाधिकारी संदीप अग्निहोत्री सोमवार को अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ हरोली रामपुर पुल पर चल रहे रंग रोगन के काम का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने चुनाव के दौरान ही कहा था कि शिमला में कांग्रेस की सरकार के सत्ता संभालते ही उनके गृह जिला में हलचल साफ तौर पर नजर आएगी और उसका यह जीता जागता उदाहरण है कि उप मुख्यमंत्री के गृह जिला आने से पहले ही उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को सजाने और संवारने का काम शुरू हो चुका है। संदीप अग्निहोत्री ने कहा कि किए हुए वायदों को पूरा करने का दूसरा नाम ही मुकेश अग्निहोत्री है। सबसे पहले तो आपको भी बधाई और सभी इलाका वासियों को बधाई कि कांग्रेस सरकार स्थापित होने के बाद अब लगना शुरू हो गया साथ ही साथ ही कि ऊना में कांग्रेस सरकार बनने का असर दिख रहा है। और ये जो जैसे ही आपने बोला कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट जो रामपुर पुल जो है मुकेश अग्निहोत्री जी का रहा है, और मैं फख्र से कहना चाहूँगा कि मुकेश जी ने ड्यूरिंग इलेक्शन बोला था कि जैसे ही शिमला के अंदर सरकार अपना स्थान ग्रहण करेगी उसी समय पता चल जाएगा कि रामपुर पुल के ऊपर कार्य आरम्भ हो जाएगा। उसी चरण में आज ये चकाचौंध होने जा रहा है, सफ़ेदी इसके ऊपर होने लगी है और आने वाले टाइम में इसके ऊपर लाइटिंग का काम जो है वो भी होगा और उसी चीज़ का रिजल्ट है। मैं तो ये कहूँगा कि जो अपना वादा पूरा करते हैं उसे मुकेश अग्निहोत्री कहते हैं, ये मुकेश जी ने सिद्ध कर दिया है।